फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने वाली है चाट। जी हाँ, ये चाट बिल्कुल ही अलग है। ये दिल्ली की फेमस स्ट्रीट स्टाइल चाट है जो कि शकरकंद से बनती है। जी हाँ, ये भुनी हुई शकरकंद से चाट बनती है। इसमें आपको किसी भी तरह की चटनी या दही की जरूरत नहीं है। कोई भी अनार, दही, चटनी, पापड़ी कुछ नहीं पड़ती है। फिर भी ये खट्टी, मीठी, चटपटी तीनों रहती है और बहुत ही यूनिक चाट है। बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है इसकी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है इसकी चाट। शकरकंद की चाट बनाने के लिए मैंने दो उबली हुई शकरकंद ली है। इसको मैंने एक सीटी बजा के उतार लिया है, ज्यादा नहीं उबालना है नहीं तो ये घुल जाएगी। इसके साथ मैंने लिया है 1.5 चम्मच बड़ा नींबू का रस, मैंने लिया है भुना हुआ पिसा जीरा 1 चम्मच छोटा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक लिया है और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला, 3 चुटकी मतलब आप चौथाई चम्मच समझ लीजिए कि मैंने सफेद नमक लिया है। आपके पास इस तरह की जाली है तो आप इस तरह की जाली ले लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से चिमटे से आप ऐसे उठा करके इसको ऐसे डायरेक्ट भी इसको सेक सकते हैं। मैंने जाली ले ली है, जाली के ऊपर हम इसको रख देंगे और इसको बीच बीच में घुमाते हुए सेकेंगे। बाजार में कोयले पे या फिर जो गोबर के कंडे होते हैं उसमें भूंज करके बाजार वाले बनाते हैं, तो हम लोग इसको घर में इस तरह से भूंज करके वैसे स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। जाली में भूजने में टाइम लग रहा था, मैंने डायरेक्ट इसको फ्लेम पे रख दिया है और इसको रोटेट करते हुए सेकना है। देखिए हमारी शकरकंद अच्छे से भुंज गई है, इस तरह से आपको पता चलेगा। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके तब छीलेंगे। शकरकंद हल्की ठंडी हो गई है, इसको छील लेते हैं। देखिए इस तरह से आप छील लीजिए। नींबू का रस हम डाल रहे हैं इसमें, आपको कितना खट्टा चाहिए उस हिसाब से आप डालिए। भुना जीरा है, लाल मिर्च का पाउडर है, कितना तीखा चाहिए आप अपने हिसाब से डालिए, कितना आपको चाहिए। काला नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि आपके चाट मसाले में भी नमक है, सफेद नमक भी है, तो थोड़ा थोड़ा सबको डालना है। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, चाट मसाला हम पूरा डालेंगे। वाइट सॉल्ट है, मैं इसको पूरा डाल देती हूँ। अब इसको चला लीजिए अच्छे से। बाजार में ये इसी तरह से मिलता है, इसमें ना हरी चटनी होती है ना मीठी चटनी होती है। ये हमारी शकरकंद की चाट बनके रेडी है। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब उसको ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।